बिहार की शिक्षक भर्ती तो आप लोगों ने देखी, बैक टू बैक आप लोग को वैकेंसी देखने को मिला। क्या यूपी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? यूपी में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने वाला था वो तो बन चुका है और वो अपने काम में भी अब लगने लगा है। इसके बारे में बात करेंगे। यूपी से ही शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड में काम हो रहा है कि कुछ तेजी से काम देखने को जो मिल रहा है उसमें हमें नई भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं और जो पुरानी भर्तियां हैं उसको भी निपटाया जाएगा। चलिए इसी पर बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है और कब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है यूपी में भी स्टार्ट होगी, जो जिसका वेट आप लोग काफी दिनों से कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी हम किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड दे आपके पास इंफॉर्मेशन इमीडिएट पहुंचे। सबसे पहले तो बोलिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका इंतजार हो रहा था पिछले साल से, ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार पिछले साल से हमें लग रहा था कि भर्ती तो निकलेगी, ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आएगी, अचानक से अनाउंसमेंट होता है सरकार की तरफ से कि इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जाएगा और जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वही आयोग करवाएगी यूपी में। फिर उसके बाद समझ में आ गया था कि अब तो टाइम लगना ही लगना है और इसमें टाइम लिया जाएगा। तो फाइनली 2024 में शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है और इसकी बैठक भी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी बैठक में किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है उस पर हम बात करेंगे एंड साथ ही साथ क्या नई भर्तियों के बारे में भी विचार किया जा रहा है इस पर भी देख लेते हैं। देखिए, जो है बुधवार को जो है ये नई भर्ती के लिए बैठक हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो जो कार्यवाहक सचिव बनाए गए हैं गृजेश त्यागी जी, वो अब प्रयागराज पहुंच चुके हैं और वहां पर बैठक के लिए जो पॉइंट्स रखा गया है वो पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि जिस पॉइंट्स पर यहाँ पर ये बैठक होनी है या हुई है एक्चुअली में। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पहले की लटकी हुई भर्तियां हैं जिसमें टीजीटी और पीजीटी भर्ती है, इस पर बात हुई। इसकी वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद जितनी भी यूपी में लटकी हुई भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी में जो है एक है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती पर बात हुई। पूरी तरीके से इन्होंने जो है जायजा लिया है किन किन कौन कौन से काम जो है अब करने हैं उसको लेकर के। तो सबसे हाईलाइटेड में असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती जो है वो देखने को मिल रही है। किसका काम सबसे पहले जो है देखा जाएगा और इस भर्ती के लिए ही जो है काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, बायो के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी जीव विज्ञान की 83 पदों की अटकी भर्ती भी गति नहीं पकड़ सकेगी। 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती में 4 मंडलों का पैनल मामला कोर्ट में होने से रुका है। बैठक में आयोग के कार्य को गति प्रदान करने की रूपरेखा बनाई जाएगी। देखिए, रूपरेखा यानी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं, जितनी रुकी हुई भर्तियां हैं पहले उसको निपटाया जाए। और इसमें हमें जो अभी हाइलाइटेड मिला है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन इसके अलावा भी यूपी में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें कोर्ट केस होने की वजह से जो है वो भर्ती लटक गई है। अब देखिए, 2011 से बायोलॉजी वाला जो है लटका हुआ है, ये सब पर भी बात हो रही है। तो जहां जहां पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी वो काम आगे नहीं बढ़ा था उसको आगे बढ़ाया जा रहा है पहले। ठीक, बोला जा रहा है कि इलेक्शन जो डिसीजन लिया गया है कि इलेक्शन के बाद से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उस पर तेजी से काम किया जाएगा। तो तेजी से काम होगा भी, तो अगर हम मान लेते हैं कि जून से अगर ये काम स्टार्ट भी होता है तो जुलाई अगस्त तक या सितंबर तक जो है ये काम चलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सदस्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था एवं कार्यालय और बाकी वहां पे जो जैसे भी चीजें होनी है उसको लेकर के जो है चर्चा होगी। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं कि
यूपी टेट, बहुत दिनों से यूपी टेट नहीं देखने को मिला है। यूपी टेट पर भी आशंका है कि ये भर्तियां कंप्लीट जैसे होगी या फिर ये कंप्लीट होने के दौरान ही, मतलब वो कंप्लीट होने वाली होगी तो ही जो है यूपी टेट निकाला जाएगा। क्योंकि जो भी नई भर्ती होने वाली है, नई भर्ती से पहले यूपी टेट करवाना जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही है कि न्यू वैकेंसी, आप लोगों को जो न्यू वैकेंसी आएगी वो 2025 में ही देखने को मिलेगी, लेकिन यूपी टेट हो सकता है कि आपको नवंबर तक या अक्टूबर तक जो है नोटिफिकेशन या इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सितंबर अक्टूबर तक जो है कुछ इंफॉर्मेशन सुनने को मिल सकता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और बाकी एग्जामिनेशन प्रोसेस आगे लेकर लेंगे ये लोग जैसे जैसे चीजें चलेंगी। तो यूपी टेट पर भी जो है बात हो रही है और ये सारी भर्तियां कंप्लीट होने के बाद ही होगा, ये भी क्लियर है। इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। जहां 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 रुकी हुई भर्ती है उसको पहले कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद यूपी टेट पे काम होगा, यूपी टेट निकाला जाएगा। और यूपी टेट जो, हाँ, न्यू जो वैकेंसी आएगी उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए नियमावली और बाकी सारी चीजें भी अनाउंस की जाएगी। ये भी प्रोसेस आपको एक देखने को मिलेगा, इस पर भी बात हुई है। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। ये तो जरूर है कि यूपी में अब वैकेंसी का जो है या टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलते रहेगी। सो बने रहिएगा हमारे साथ, टिल देन टेक केयर।